रूस और यूक्रेन के बीच दो वर्षों से अधिक समय से जारी युद्ध में समय समय पर दोनों देश एक दूसरे पर भारी पड़ते रहे हैं। जब तक यूक्रेन को उसके सहयोगी अमेरिका से मदद मिलती रही, तब तक उसने पूरी ताकत से रूसी हमलों का जवाब दिया। अब जब उसे अमेरिका से मदद नहीं मिल पा रही है, तब रूस उस पर भारी पड़ गया है। युद्ध के बीच में मदद रुकने से यूक्रेन की हालत खराब हो गई है और रूस उसके सैनिकों को मारने के साथ ही यूक्रेन के गांव और शहरों पर कब्जा करते हुए अपने मंसूबे को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को दूर दूर तक उसके पश्चिमी और नेटो सहयोगियों से मदद नहीं मिलती दिख रही है। अगर यूक्रेन को मदद मिलने में और देरी होती है तो उसका हारना तय है। अब इस मामले में यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने अपनी वॉशिंगटन यात्रा पर चेतावनी दी है कि यूक्रेन यदि रूस से हारता है तो सुरक्षा प्रदाता के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा। बोरेल ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका से अधिक सहायता पाने के लिए वहां होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक का इंतजार नहीं कर सकता है। अपनी यात्रा में बोरेल ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सहित अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस की जीत का अमेरिका और यूरोप के आसपास बने गठबंधनों की व्यवस्था पर भारी असर होगा। उनके मुताबिक यदि ऐसा होता है तो कोई भी देश अब अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकता कि वो हमले के वक्त किसी भी सहयोगी की मदद करेगा। वैसे तो यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, इसलिए अमेरिका इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है और न ही किसी दायित्व से बंधा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि वो रूस से लड़ाई में यूक्रेन की मदद करेंगे और युद्ध लंबा खींचता है तब भी वो मदद करते रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नजरिए से देखें तो पुतिन ने इसी सप्ताह एक इंटरव्यू में अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमारे लिए ये जीवन और मृत्यु का मामला है और अमेरिका के लिए ये विश्व स्तर पर और यूरोप में अपनी सामरिक स्थिति में सुधार करने का मामला है। बोरेल से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी यूक्रेन की मदद के लिए वहां नेटो सैनिकों को भेजने की संभावना जता चुके हैं, लेकिन कुछ अन्य नेटो देशों ने मैक्रों के विचार पर सहमति नहीं जताई। अब देखते हैं कि बोरेल की बातों का अमेरिका पर क्या दबाव पड़ता है और वो क्या कदम उठाता है।